अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही ब्राइट और सनी डे है। तो मुजीब ने डिसाइड किया है कि मुजीब आई थिंक जिम जा रहे हैं, है ना? यस। और मैं यहाँ पर धूप में वॉक कर लूँगी। तो हमारा दिन का ये आगाज़ हो चुका हुआ है। बाकी स्टोरी मैं बताती हूँ। मुजीब मेरी तरफ कैमरा कर ले, बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं। तो आज हमारी डे का स्टार्ट जो है वो बड़ा अच्छा हुआ। हमने नाश्ता वाश्ता किया है घर, हमने स्पिक एंड स्पैन किया है, और अब मैं निकली हूँ वॉक के लिए क्योंकि आज धूप निकली हुई है। कल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी। आप लोग कह रहे थे कि बस करें, हम स्नोफॉल ना दिखाएं, तो वो अल्लाह ताला ने वैसे ही सूरज निकाल दिए। मुजीब जा रहे हैं जिम। और गुड न्यूज़, यस ग्रेट न्यूज़ ये है कि इब्राहिम की बर्थडे का डे थोड़ा सा आगे पीछे करके बट डिसाइड हो गया है। ये और मरियम भी आ रही है। हाँ, मरियम भी आ रही है, जैन आ रहा है, मुइज आ रहा है, साद आ जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेट टुगेदर। और उसमें बर्थडे का क्या कुछ होगा वो अभी हम मिलके उसको हम करेंगे फाइनल डिसाइड। मुझे धूप वाली साइड मेरे चेहरा अच्छा आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा आ रहा है। जैसा चेहरा है अच्छा वैसे ही आ रहा है। मामा गिलोर ने भी कोई ना कोई चीज़ करनी होगी, तो अब देखें कि पता नहीं मैंने क्या करना है। मुझे कसम से कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी करना है अच्छा ही कर लेंगे। और लेकिन आज मैंने कसम से, अभी मैं आपको ना आमना का होम टूर कराती हूँ। मुझे होम टूर करा दे। मैंने अल्लाह की कसम क्या मैंने चमकाए हैं वॉशरूम। होम टूर में वॉशरूम दिखाने तुमने? हाँ, दिखाते हैं ना। हाँ ठीक है, तो रहे हमारे साथ। मुझे थोड़ी सी फोटो शूट कर देंगे? हाँ कर दूँ। तो आप इधर से आए। हाँ। मैं उधर से आती हूँ, उधर ठीक है। थोड़ी पिक्चर्स बना दें फॉर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ, बहुत वो जो जिन दरख्तों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है ना। हाँ, यस। वहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी तस्वीरें बना दें। राजो, मैं उधर से आती हूँ, आप इधर से आ जाओ। ठीक है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है। ब्यूटीफुल। और यहाँ पर इज इट, देखो ना, स्लिप ना हो जाए ना। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वगैरह मेरी एक तस्वीर इस तरह से। मैं आ गई अंदर वॉक करके, और एक मिनट मुझे दें, फिर मैं आपको घर का टूर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो देती हूँ। और जी मुझे कह रहे थे कि घर का टूर देने की क्या जरूरत है। मुझे ना दोबारा एंटर हो गया। ठीक है, एंट्रेंस ठीक है। अच्छा जी, पिछले साल भी मैंने घर का टूर दिया था, बट दिस होम इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। इसलिए क्योंकि एक तो मैं यहाँ पर 3 दफा आई हूँ, दूसरा मेरा इब्राहिम यहाँ पर पैदा हुआ था। आमना वॉज प्रेग्नेंट विद इब्राहिम यहाँ पर, और आमना ने यहाँ पर अपनी रेजिडेंसी की है। तो ये घर मुझे बहुत अजीज है। छोटा सा, क्यूटू सा, और बहुत ही वॉर्म सी इससे वाइब्स आती है, इस घर से एक बड़ी होमली सी वाइब्स आती है। तो मैंने कहा मैं एक दफा फिर आपको, क्योंकि इसके बाद दोबारा मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इस घर का टूर कराऊंगी। तो यहाँ से अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर हमारी जो आमना ने काफी गंद मचाया हुआ था, मैंने इसको स्ट्रेट किया है। तो यहाँ पर बाहर से जब आती है तो यहाँ पर भी हम उतारते हैं अपने, ये देखें, ये देखें, यहाँ पर अब ये उतर जाएंगे जूते। ठीक है, ये बाहर के जूते यहाँ उतरेंगे, और यहाँ पर हम अपनी जैकेट वगैरह भी यहाँ पे लटका देते हैं। कौन सा बच्चा कहता था लटका देते? हमारे बच्चों में से कोई बच्चा ना लटका को लगटा कहता था।
तो ये अभी थोड़ी सी अलमारी सेट नहीं है, वो कर देंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं कि एज यूजुअल ये तो आपको पता ही होगा हर घर में है ये। तो ये हो गया, और फिर ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम जो कि बहुत कंफर्टेबल है, कोजी सा है। यहाँ पर ये क्यूटू सा हमारा इब्राहिम और प्यारी सी हमारी आंटी इस वक्त बैठी हुई है, और ये सोफाज हैं। ठीक है, यहाँ बैठकर आप बाहर का पूरा ले सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय अ कप ऑफ टी और या कप ऑफ कॉफी, और सामने ये देखें टीवी, और यहाँ पर आप मजे से रात को, मैं तो लेट नाइट कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ, मुझे तो एज यूजुअल खबरें देखते हैं, लेकिन मेरी अट्रैक्शन ये होती है कि कोई प्राइम वीडियो में कोई अच्छी मूवी लगा लें या कुछ इस तरह, क्योंकि वेकेशन है वो तो एंजॉय करनी है। और ये देखें जी, ये आमना ने मुझे दे दिया, इसमें इसके ऊपर आमना, ए फॉर आमना, एस फॉर साद। अच्छा वाह, ये मैं पहन लेती हूँ, ये बड़ी कोजी सी है। ये जो है कंप्यूटर कॉर्नर है इनका, जहाँ पर ये पेपर वर्क वगैरह कर लेते हैं, और मैंने कुछ भी इसको सेट नहीं, मैंने जिस तरह घर है ना उसी तरह रहने दिया है, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, घर इसी तरह ही होते हैं, जैसे कहीं टॉवल लटका हुआ है, कहीं पेपर्स पड़े हुए हैं। मैं चाहती तो मैं इसको बिल्कुल सेट करके और बच्चों के साथ स्पेशली आर्टिफिशियल करके आपको दिखाती, लेकिन मैंने ये नहीं किया। एक सेकंड में मुझे दुपट्टा ले लू। इफ यू रिमेम्बर इस्लामाबाद में जब मैं थी तो मैंने ये बुनैनजा सतरंगी से लिया था, तो आज मैंने पहन लिया फाइनली। मैंने कहा मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा दूं अपने इस सूट की। ये हमारा यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, मतलब यहाँ से गरम गरम खाना इधर आ जाता है, इधर गरम गरम खाना इधर से जी इधर आ जाता है। अगर किचन में देखें तो ये फ्रिज है, और फ्रिज के ऊपर पता नहीं किस तरह से ये डब्बे सारे पड़े हुए हैं, लेकिन ये बैलेंस गिरने नहीं है, लेकिन ये सीरियल है नाश्ते के लिए। और एन इसके नीचे अगर आप देखें तो एक जूता है। अच्छा, ये किसी सब्सक्राइबर ने, अल्लाह ये जूता घुमा हुआ था, वो तो किसी का कमेंट आया कि भाई आपके फ्रिज के साइड पे चित्र पड़े थे, ये हमें हमारे जो घुमे हुए चप्पल थे वो मिल गए हैं, और ये भी हम निकाल लेंगे फिलहाल। इबली बिबली मुझे तुअल दे दो प्लीज, मुझे घर का तुअल देना है ऑनेस्टली। इब्बू दे दू, हाँ ठीक है, यस। अच्छा जी, यहाँ पर ये, यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, हर दफा आते जाते मैं खाती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं खाऊंगी, काफी खा चुकी हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाए तो ये मेरा किचन है, किचन बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जो इब्राहिम की आंटी हैं, ये उन्होंने ऑर्गेनाइज, हालांकि ये आउट ऑफ द वे वो करती हैं, बिकॉज शी लव्स आमना, और वो आमना को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हैं। छोटा सा इब्राहिम जब था तो उनकी गोद में आ गया था, और आउट ऑफ द वे भी वो सारा कुछ कर देती हैं, वट एवर शी फील्स लाइक ना आमना के लिए। तो उनके बहुत दिल से शुक्रिया अदा मैं करती हूँ। और फिर ये सब कुछ है ना किचन में, ये माइक्रोवेव है, ये कॉफी का है, और ये वॉशिंग मशीन है, बच्चा, और छोटे जो बच्चों, ये बेबी के लिए जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए सारी चीजें, उसके बर्तन वगैरह और फीडर्स, और ये जनाब बाकी मायरल्स। चले अब आप शॉर्ट बंद करें। आज रूम हाउस टूर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज मैंने वॉशरूम क्लीन किया, जरा आप देखें कैसे चमकदार हो गए। वाकई इसकी लाइट नहीं। अच्छा जी, आपने वॉशरूम जो है क्लीन किया, ये दिखाना भी होगा, ये चमकदार, बहुत चमकदार जी, आप देख लें जनाब, खूबसूरत, ये अंजम का एफर्ट है जी, वाह जी वाह। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल, मुझे यहाँ आकर हम जरा हाई कर लें, है हाँ जी, हाय। अच्छा हाय, वो चलिए आओ जी। और ये बेडरूम दिखा दिया, एक बेडरूम ये है जी, ये बेडरूम है जी। थोड़ा सा हमने इसमें बेडिंग ज्यादा की है क्योंकि अभी सारे फैमिली ने आ जाना है। हाँ। रूंगी।
और एक ये है, ये इब्राहिम और उसकी मॉम का है. वो देखें आगे उसकी पेडल पड़ी हुई है और बेड वगैरह है. नहीं वो आगे से ऑन होता है. ये इब्बी का जनाब बेडरूम है और ये सारे इधर कैमराज इब्बी के लिए लगे हुए. ये तैराना सा वॉक इन क्लोजेट आमना की. वॉक इन क्लोजेट ओके. और जो ही हम इस कमरे के बाहर निकले. अच्छा ये भी मैंने वॉश कर दिया है. अनदर वॉशरूम ओके. साफ सुथरा नीट एंड क्लीन क्लीन. और यहाँ से अगर बाहर आए तो ये एक काइंड ऑफ स्टोर रूम. दिस इज कबर्ड. स्टोर रूम में ये साथ है जी. स्टोर रूम साथ है ये वाला. वो तो मुझे पता ही नहीं है. स्टोर रूम अभी अब देख लेंगे. अब सारी पैकिंग इसमें पड़ी हुई है. मतलब लेकिन अब ये देखें कि मतलब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग घर बना रहे होंगे ठीक है. छोटी सी छोटी जगह को भी यूटिलाइज करके आप अपने घर को नीट रख सकते हैं ना. बजाय इसके कि रैपर्स कहीं पड़े हुए हैं और यू नो और यहाँ पर सारा वो आपका वो जो आप लाते हैं अपना वॉशिंग का और वो सब कुछ यहाँ आ जाता है. और फिर एक बेडरूम ये है और यहाँ पर है हमारे इब्राहिम की पूरी ये क्लोजेट. इब्राहिम मेरे बेबी के सारे कपड़े. ये उसकी सारा यहाँ पे चेंजिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग. या तो ये था एक छोटा सा रूम सॉरी होम टूर आमना का. दोबारा बंद करें. तो ये था छोटा सा एक आज का ब्लॉग जिसमें आमना का घर हमने दिखा दिया है. बिकॉज यहाँ पर आमना के अब इतने ज्यादा मंथ्स नहीं है. सो नेक्स्ट टाइम जब हम इंशाल्लाह कभी अमेरिका आएंगे तो मे बी इन सम अदर हाउस. और घर तो वही होता है जहाँ इंसान रहता है खुशी से और एक प्यार मोहब्बत से. और अगले दफा इंशाल्लाह साथ और आमना भी साथ होंगे. तो इनको थोड़े डिस्टेंस पे रहना पड़ रहा था तो आमना और साथ के दो अलग अलग घर थे, एक न्यूयॉर्क में और एक इधर. मैंने दोनों का टूर करा दिया. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोनों एक ही घर में होंगे इंशाल्लाह. तो ये था हमारा आज का ब्लॉग. हमें अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह ताला आपके घर में भी ढेर सारी खुशियां दे और आप सबको इकट्ठा प्यार से रहना नसीब करे. और हमें भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.